सोचा वो क्या नहीं लिए बेटी की शादी, पहले तो शादी लगेगी, बेटा 50 साल का हो जाएगा ना इसी शादी हो जाए, और 10 वर्ष की शादी हो जाएगी तो 11 वर्ष ये देगी कपूरता मिले खिलाने को, ये बुढ़िया को स्वागत शादी हो जाए 10 साल का बच्चा कुछ सक्षम नहीं है, तुम्हें क्या सोचती बस 1 साल हो गया बच्चा ही नहीं हुआ, और फिर सबसे पूछेगी अब पंडित जी आइए, पंडित जी हमारी घर तो बच्चा नहीं है, कोई ऐसा उपाय हो बता दो, वो पूजा मिल जाए करने के लिए, बोला हाँ है उपाय, बोले एकांत में जाके और सूर्यनारायण की पूजा कराओ, फिर देखो दुनिया के साल भर पीछे होता है, 9 महीने पीछे होता है, 6 महीने पीछे बच्चा हो जाएगा, कुटला का बन गया, गुरु मंत्र मिल गया, एकांत में जाना, किसी को कोई ज्ञानी हो जाए किसी की दृष्टि पड़ने से सब मामला खराब हो जाएगा, गुट्टू को देगा तो मामला खराब हो जाएगा, और जब ला लगी ऐसा मौका लगे उसने देखा हाँ वो संडे आ रहा है उस दिन तो हारे समाज चले जाएंगे गोल पर कमा देने के लिए, तो राजा रानी को लेके चुपचाप निकल गई, सूर्यकुंड पहुँच गई, सूर्यकुंड जाके बहू बैठ जा किसी को देख के लाऊ, भगवान श्री कृष्ण तैयार रहती है लगा के लंबे चौड़े तिलक साफी बांध के सब कंधा पर साफी डाल के और ले भी आ गई, बोले भैया क्या खोज रही है, अच्छा तू मिल गया तो बोले पंडित जी की जरूरत है, बोले मैं पंडित हूँ, मैं गाय भी चला लेता हूँ बंसी बजा लेता हूँ और पंडित कर भी कर लेता हूँ, क्या कराना है, बोले भैया मुझे अपनी बहू से सूर्य पूजा करानी है, बोले काय के लिए, कि अरे मेरी मनोच्छा पूरी हो जाए, बोले हाँ हो जाएगी, कहाँ तुम्हारी बहू, बहू तो उधर बैठी है, ठीक पर मैया पूजा तो मैं करा दूंगा, लेकिन समस्या है, बोल क्या, कि ये तो तुम विधवा हो अगर तुम्हारी दृष्टि पड़ गई तो मामला तो बिल्कुल खड़ा ही हो जाएगा, बोला मैं मेरी दृष्टि पड़े से, अरे मैं अपनी शरीर की छानी पड़े दूंगी बिल्कुल, मैं आंखें अपनी आंखें बंद कर लेना, बोल नहीं मैं आंखें बंद नहीं करूंगी, मैं सबको बंद कर दूंगी अपने को, और जाके जटला एक पेड़ के नीचे को नीचे छूटी नीचे पे वो गड्ढा में जाके बैठ गई, देख लिया हाँ मैं झुक तो नहीं रही हूँ, और थोड़ा झुक गई और आंख बंद कर रही, भगवान कृष्ण ये चाहती थे उनको मिल गया वो राज रानी, भगवान राज रानी अंजलि फूले खड़े ठाकुर श्याम सुंदर सूर्याय नम भास्कराय नम मातंडाय नम, और राजा जी पुष्प वर्षा कर चढ़ा रही है, ठाकुर श्याम सुंदर सूर्यवंद के राजरानी चढ़े हुए पुष्पों को ले रहे, पंडित बन के पूजा करा रहे, और कृष्ण के स्वरूप में गलबैया डाल के राजरानी साथ में विहार कर रही है, एक ही साथ तीनों काम कर, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की परम पावनमयी लीला मधुर लीला, ये सब लीला जावट की है, एक बार ठाकुर श्याम सुंदर राजरानी मिलने के लिए उतावले हो गए, और राजरानी कर गई मां दर्शन नहीं दे राजरानी, अब भगवान श्री कृष्ण तो बड़े परेशान बेचारे, शाम को आके बैठ गए एक बेल वृक्ष के नीचे और जरा भी आवाज करे उन्होंने आवाज दी, राजरानी कौन, बोले हम घनश्याम, और घनश्याम तो कहीं बादल जाके बरस जाओ, घनश्याम तो बादल होता कि जाके बरस जाओ, हरी वो बंदर होता है कि पेड़ पे जाके उस करो ट्रेनिंग को छोड़ो, उन्होंने कई बताई लेकिन वो अर्थ लगा के लेके राजरानी नहीं मिली, करते करते वो रात हो गई, अब रात हो गई तो राजरानी का मन थोड़ा मिलने के लिए उतावला हो गया, और ठाकुर श्याम सुंदर कोई पक्षी की बोली बोले और राधा रानी खड़ी होने की कोशिश करे और नूपुर कंगन की आवाज आ जाए और टूटे और डटना, टूटे भगवान कृष्ण और राधा रानी नंबर सुनता मिल नहीं पाया,
अब भगवान अपनी सवेरे भोर में और ब्रह्मचारी का वेश बना दिया है। जटला उपली बना रही भिक्षाम दी, जटला ने कहा हाथ छोटा सा बच्चा भिक्षा ले लिया यार, बोला बाबा अभी लेके आती हूँ, बोला नहीं हम तुम्हारे हाथ भिक्षा नहीं लेंगे, हम तुम्हारे हाथ भिक्षा नहीं लेंगे, तू अपने खामा खा अपने गोबर के हाथ को साफ करिए अपने काम करती रहो। अरे कुटला देख छोटा सा बाबा ये आया इसको भिक्षा दे दो। बोले कुटला कौन है? बोले मेरी बेटी है। बोले नहीं हम कोई लड़की हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे, हम ब्रह्मचारी है, कैसे की भिक्षा? तो राजे भिक्षा दे के जाओ, अगर निराश चला जाएगा ब्रह्मचारी तो गौधन की हानि हो सकती है, कुछ घर में बिघ्न आ सकता है, जीवन में बिघ्न आ सकता है, ये भिक्षा दे गया हो। तो राधा रानी एक पात्र में आटा दाल चीनी सूजी घी तेल नमक मिर्च मसाला मेवा रख रखा गया, रख के उसमें सजा के घूमट निकाल के आई भिक्षा दे रही है। ठाकुर श्याम सुंदर बोले कि नहीं हमको तो मान की भिक्षा चाहिए, तुम्हारे मान की भिक्षा चाहिए, हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। राधा रानी ने उस पात्र को लेकर भगवान श्री कृष्ण पर उल्टा कर दिया, घी तेल आटा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, राधा रानी को हंसी आ गई। भगवान कृष्ण राधा रानी को दर्शन करके लीला करके चले गए। तो ऐसी ही अनेकों लीलाए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की ब्रह्मचारी वेश में आते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का मिलन हुआ तो राधा रानी बोली, कृष्ण बोले कि राधे आज हम कुंज की रचना करेंगे और तुम रात्रि प्रथम पहर में आ जाना। तो भगवान श्री कृष्ण वन में कुंज की रचना करने लगे, राधा रानी घर में जल्दी जल्दी काम को खत्म करके और विश्राम करने की कोशिश करने लगे। तो राधा रानी का पति अभिमन्यु आया, बोले राधे कुछ व्यक्ति हमारे साथ में आ गए, बोला उसको विश्राम करेंगे, उनके लिए कुछ भोजन शुद्ध कर देना। कौन आएगा? लेकिन ठाकुर जी की लीला ही जो उसमें अमृत करना थोड़ा। अब राधा रानी सोचने लगी आठ दस आदमी है तो अभी जाएंगे, टाइम था 8-9 बज गए, प्रथम पैसे बीत रहा। अब उन्होंने जाने के लिए तैयारी करने लगे, तो जैसे सखी वही सब तैयार हुई, लेकिन जब आदेश मिला तो समाज की नाता तो करना ही है, समाज की नाता तो निभाना पड़ेगा। तो उन्होंने दाल चावल बनाया और भोजन सामग्री बनाई। हाँ राधा चुप हो गई। जटला बोले राधे तुम्हारा पति आदेश करता है तो तुम्हें पालन करना चाहिए, तुम बहू हो उसकी। दो तीन बार तो उन्होंने सुना नहीं, जब सास ने कहा तो बेचारी उठी, उन्होंने अपने आटा वाटा निकाला तैयारी करने लगी करते। आप 9 बजे 10 बजे 11-12 बजे ठाकुर श्याम सुंदर कुंज रचना करके उसमें रात इंतजार करते रहे। राधा रानी बोली जलती श्याम सुंदर मेरा इंतजार कर रही है और ये काम खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? तो बोले मैं तुम दूती बन के जाओ, तुम दूती बन के जाओ तो हम आएंगे कर देना श्याम सुंदर। और भगवान श्री कृष्ण जब ललिता सखी गई वहाँ पे तो देखा, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा राधे राधे मेरा प्राण निकल जाएगा, मैंने कुंज की रचना की है, वेदी पर हम तुम विराजमान होते लेकिन तुम्हारा तो दर्शन ही नहीं हो रहा है, राधे किस दिशा से आ रही है, ऊपर से आ रही है। अब बेचारे व्याकुल इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, ललिता सखी पीछे आ रही है, जब भगवान श्री कृष्ण इधर को जा रहे हैं, ललिता सखी इधर को जाए, भगवान श्री कृष्ण इधर जाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। राधा रानी ललिता सखी कुछ कह नहीं पाई और भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी के देखते देखते उस कुंज की जो साज सज्जा कर रखी थी तो सबको तोड़ बरोड़ के उन्होंने गुस्सा में आके सब तोड़ बरोड़ के और चले गए नंदगांव। यशोदा मैया से बोले कि आज हम किसी से नहीं मिलेंगे और आज हम एकांत में रहेंगे, किसी को हमारे पास आने मत देना। जब रात जब लताई ललिता जी बोली कि श्याम सुंदर तो कुंज की रचना को विध्वंस करके और मान करके चले गए, अब मैं कभी नहीं मिलूंगा,
और चलेगी वो तो जल्दी क्या करना चाहिए कि उनका मान हमको करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँ? बोलो ये कि ब्राह्मण देसी है, तुम ब्राह्मण बन के जाओ और वो किसी रूप में तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। ब्राह्मण बन के और मेरी सास ने देख लिया तो बोले पहले ब्राह्मण बन के सास के सामने जाओ ना, अगर जटला के सामने तुम पास हो गई तो फिर तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। तो राज रानी ब्राह्मण का वेश बना के और जटला के पास पहुंची। माते भिक्षाम देई बोले हाँ, बोले नहीं हम तो कोई पुरुष की भिक्षा नहीं देते, हम ऐसी भिक्षा नहीं देते। बोले बाबा मेरे यहाँ कोई पुरुष है नहीं है, वो कहाँ से आए? हम तो काशी से आए, काशी के पंडित है। अच्छा काशी पंडित है, तो हमारे हिस्से में तो कोई है नहीं, हमारा बेटा वो देखो सारा में रात सो रहा है वो तो बोले कोई बात नहीं है, नंदगांव में जाकर देख लीजिए, नंदगांव में मिल जाएगा। तो फिर उधर सिटी थोड़ी थी पहले, फिर मकान जावट में जा सकी भी इसी गाँव में थी और बाकी के नंदगांव में तो नंद महल था, बरसाना बड़ा सी जी का महल था, कहीं कहीं दो चार ये वाले होते हैं जो भी बरात काटने के लिए देर हुई है, गाय नहीं पहुँच पाएंगे तो भी बना खा लिया, वो तो बस्ती बना ली उन्होंने ऐसी बस्ती बस। तो पहुँचे नंदगांव, माते भिक्षाम देई दस्ता भैया, बड़े सवेरे सवेरे कोई देखो कौन आया, उन्होंने देखा है बोले बाबा कहाँ से आए? बोले हम काशी से आए हैं, काशी के ब्राह्मण हैं हम और काशी पढ़ के आए, हम भिक्षा के लिए आए हैं। तो बोले कि भिक्षा लेके आती हूँ कि नहीं, कोई पुरुष जाती हो तो भिक्षा ले लेंगे। तो सुधा भैया बोली बेटा तो मेरा मान करके बोला किसी से नहीं मिलना है और किसी से मिलना गेट पर खोलना गाना गाना लाला लाला देख देख कोई पंडित जी आए वहाँ से काशी से, और बेटा देख तेरी कोई मन इच्छा वही सब इच्छा पूरी हो जाएगी और तू चल। बोले नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे किसी पंडित पास नहीं जाना। अरे तू जाके तो देख कितनी सुंदर है, कितनी मधुर आवाज है, इस मीठी वाणी उनकी देख तो सही जाके। तो भगवान श्री कृष्ण आए और आके उन्होंने देखा, देखे काशी से आए बेटा पैर छुए नहीं के, बोले मैं किसी पैर नहीं छूता हूँ। अरे बेटा पैर छू पंडित आए दरवाजे पे तो पैर छूना चाहिए। तो ठाकुर श्याम सुंदर ने जैसे ही राजा रानी के चरणों को प्रणाम करने के लिए पैरों छूने की कोशिश की, ठाकुर श्याम सुंदर देखा ये जावक तो मेरा लगाया हुआ है तो उसमें नामांकित है मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद राधे। ठाकुर श्याम सुंदर मान भूल गए, बोले भैया आज हम पंडित के साथ में गोष्ठी करेंगे और तुम गेट मत खोलना और राज रानी को लेके अपने भवन जाके आराम से उनका ब्याह करने लगे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण राज रानी की लीला। हम फोन नंबर का रखती नहीं है, फोन नंबर